चलो देखो, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी पाई जाती है वो कहलाती है 150.5 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन बॉन्ड है 1.39 एंगस्ट्रॉम। और बेंजीन के अंदर 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पाए जाते हैं 3 पाई बॉन्ड। अब ये क्या चक्कर है, सब समझा रहा हूँ। देखो, तीन अल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जब अल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके डे। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि sp2 प्लेनर 3 सिग्मा 1 पाई होता है, आइए देख लेते हैं इस वाले कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ क्या है सिग्मा बॉन्ड, इस वाले कार्बन के साथ क्या है सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 1 सिग्मा 1 पाई। तो आप देखो, जितने भी हैं आपके कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, तो सारे के सारे क्या बना रहे हैं, जितने भी कार्बन हैं इन सब में आप देखें तो वो एक बात कॉमन है, 3 सिग्मा 1 पाई। और होना भी चाहिए, क्योंकि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हमेशा होंगे 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड।